कोई बात यार, उसने अलग है वो सही, मैंने अलग है मैं सही, अड़ गया वो भी मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की, पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पति पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। बेस्ट वे टू होल्ड समवन इज टू लेट गो, अगर उन्हें जाना तो जाने दो, मुझे ये लगता है। मुझे लगता है अगर मैं किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखूं वो सही नहीं है। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बीबी है ना, सर दर्द है 24 घंटे, झिकझी झिकझी झिकझी, कोई भी आदमी कैसे रह सकता है उसके साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रितु राठी और एके गौरव तनेजा की डिवोर्स रियलिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए किया जा रहा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक किया नहीं है लाइक और सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I cannot forget the 8 years I spent with that man. एके गौरव तनेजा ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन के साथ साथ पायलट भी हैं। इनका फ्लाइंग बीस्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां डे टू डे लाइव ब्लॉगिंग के थ्रू अपलोड करते हैं। और रितु राठी इनकी वाइफ हैं और ये भी एक पायलट हैं और गौरव तनेजा के साथ ब्लॉगिंग वीडियोस करती हैं। ये लोग सोशल मीडिया के परफेक्ट कपल माने जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा, प्यार और परिवार सब कुछ है और इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। साथ ही साथ इनके ब्लॉगिंग वीडियोस में भी ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ ब्लॉग में बताया है कि इन दोनों में झगड़े होते हैं, लेकिन ठीक है हर कपल में ये झगड़े होते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग की एक वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, उसमें एक औरत ने ये पूछा कि उनके पति ने उनके साथ छल कपट और निंदा किया जिनसे उन्होंने सच्चा प्रेम किया, क्या उनसे वो अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। हालांकि ये सवाल पूछते समय उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये आवाज बिल्कुल रितु राठी जैसी थी और उनके सिचुएशन भी और इस आवाज में बहुत ज्यादा दर्द थी। जब वीडियो को जूम करके देखा गया तो उस सत्संग में रितु राठी बैठी हुई थी। उसके बाद मानो कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया कि आखिरकार गौरव तनेजा ने रितु राठी के साथ ऐसा कैसे किया। हर कोई रितु राठी की आवाज बनकर खड़ा हो गया, जिसके बाद गौरव तनेजा को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। और गौरव तनेजा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये बताया, इस पोस्ट से ये क्लियर हो गया कि सत्संग में बैठी औरत रितु राठी थी जिनके आवाज में इतना दर्द था। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। उनके बीच जरूर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन पब्लिकली नहीं देंगे क्योंकि कुछ मैटर्स पब्लिकली सॉर्ट नहीं किया जा सकते हैं और वो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद गौरव तनेजा को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा कि आप तो वो हैं जो हर छोटी से छोटी चीज ब्लॉगिंग के थ्रू ऑडियंस को दिखाते हैं और अब बता रहे हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको आपको नहीं बताएंगे। तभी रितु राठी का रिप्लाई वीडियो आया। एम आई अबला नारी? नो, आई एम नॉट। रियलिटी चेक। रितु राठी का इस रिप्लाई वीडियो के बाद लोगों का दिल पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि इस रिप्लाई वीडियो में ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर बोल रही थी और बता रही थी मुझे अबला मत समझो, मैं कैपेबल हूँ अपनी चीजों को खुद सॉर्ट करने के लिए और मैंने कोई भी पब्लिकली इस चीज का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन लोगों को एक बात नहीं समझ आई कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग हमेशा उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, ऐसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके सत्संग में गए हैं, उनसे वार्तालाप की है, तो वो वार्तालाप सोशल मीडिया पर अपलोड हुई है। अगर आपने भी की है तो आपकी भी वीडियो अपलोड हो सकती थी, ऐसा आपको सोचना चाहिए था। अगर लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपकी आंखों में इतना दर्द होगा और जानेंगे कि आप रितु राठी हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसे रिप्लाई वीडियो बनाकर आपने लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाया है। अगर कल को किसी औरत के साथ गलत हो रहा होगा तो लोग अब वो बोलने से डरेंगे कि अगर मैं बोल दूं तो ऐसा रिप्लाई वीडियो ना आ जाए। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के लिए की जा रही है, इसका जवाब तो रितु राठी और गौरव तनेजा ही दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दीजिएगा एक लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू फ्रेंड्स। कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? अकेला थोड़ी हूँ, मुश्किलें
है मेरे साथ।